देखा होगा, वो क्या करता है कि पूरा का पूरा गन्ना जब निकाल उसको डाल के वापिस निकालता है, उसके बाद में भी गिलास नहीं भरता है, तो उसके बाद में वो थोड़ा पुदीना और नींबू डालता है और उस रस को मिला के अपने को पीने को देता है। तो वही मैं अब इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाता हूं, और सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं कि हम अच्छे ही सही पर लोग हमें खराब कहते हैं, बिगड़े हुए हमें नवाब कहते हैं, और हम इस कदर बदनाम है आज इस हॉल में, और हम आज इस कदर बदनाम है इस हॉल में कि पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। और देखिए जब शराब की बात आती है तो मैं शराब की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शराबी हूं। और जब देखिए कि बिहार में वैसे भी शराबबंदी है, तो ये भी शराबियों की अलग समस्या है। जब पिछले दिनों में पद्मावती मूवी रिलीज हुई तो सब लोगों ने सोचा कि इसको रिलीज किया जाए, तो सरकारों ने इसका बीच का रास्ता निकाला और पद्मावत नाम करके उसको रिलीज कर दिया। तो यही सब सुनने के बाद में यहाँ पे भी सरकार के पास पहुंचे कि जब पद्मावती मूवी को पद्मावत करके रिलीज किया जा सकता है तो क्यों ने शराब को सरबत कर दिया जाए। और समझ रहे हो बाबू, तो इसी के बाद आपने देखा होगा शराब की जो दुकान है, ठेका है, वो लगभग हमेशा या तो रेलवे फाटक के उस पार या थाने के उस पार होती है कि हमने पी है शराब फाटक पार की उस दुकान से, आदत सी हो गई है उस शराब के जाम से, और जिंदगी में गुजरे हैं कुछ इस मुकाम से, कि आए भराती है मोहब्बत के नाम से। और जब बात मोहब्बत की आ जाए, तो उस किरदार का नाम लेना जरूरी है, पर नाम नहीं लूंगा, शादीशुदा हूं। उसके बारे में बताता हूं कि उसे हंसने की आदत थी, मुझे हंसाने की आदत थी, उसे रूठने की आदत थी, मुझे मनाने की आदत थी, फर्क बस इतना था हम दोनों में कि उसका दिल था मोम का, जिसे जुड़ने की आदत थी, और मेरा दिल था आईना जिसे टूटने की आदत थी। तो देखिए दिल टूटता है, भले ही टूट जाए, पर हर आदमी को टूटने के बाद ऐसा ही लगता है, कोई जरूरी नहीं है मेरे को ही लगता है, आप सबको भी लगता है, मैं बोल रहा हूं आप बोल नहीं रहे, कि हमेशा ऐसे ही लगता है कि नहीं यार उसकी गलती नहीं थी, कि हम आज भी उसे याद करते हैं, उसकी सलामती की फरियाद करते हैं, हमें मालूम है कि दांत तो उसी चांद में था, पर ना जाने क्यों हम आज भी उसी चांद को बदनाम करते हैं। और जिसने आपका दिल तोड़ा हो, आपके पास्ट में ले जा रहा हूं आपको, सबका कोई ना कोई पास्ट था, और आज का डिजिटल प्यार मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, और आपका दिल तोड़ा और वो आपको मार्केट में नजर आ जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस दृश्य को समझिए, कि दिल मजबूत कितना भी हो मजबूर हो ही जाता है, जब कभी पुराने पासवर्ड का चेहरा मार्केट में नजर आता है। मुझे भी नजर आई वो हसीन मुलाकात, आपके साथ साझा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि आज उनसे मिले मुलाकातों की एक अजीब सी दास्तां थी, कुछ गुमराह मैं था, कुछ मसरूफ वो भी थी,
कुछ गुमराह मैं था, कुछ मसरूफ वो भी थी, हमारी आंखों के इशारों ने एक दूसरे को पढ़ लिया, कि हमारी आंखों ने एक दूसरे के इशारों को पढ़ लिया, दिल में जितनी भी गलत फहमियां थी बिना बोले ही कह दिया। मैं आज तक उसका एतबार करता रहा कि मैं आज तक उसका एतबार करता रहा, कहीं न कहीं मैं आज भी उसे प्यार करता रहा, मगर डर था कहीं न कहीं मैं फिर से उन्हें खोने दूं, इसलिए इस मुलाकात में दिल से जुड़ी हर बात से इनकार करता रहा।